Let's do question number 26th of exercise 4A, that is quadratic equation. Question number 26th is solve each of the following quadratic equation. Hame sari quadratic equation solve karni hai aur x ki value nikalni hai. To first hai hamara 26th question hai 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. To chaliye karte hain solve. To hamara question number 26th hai 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. अब सबसे पहला रूल हमारा इस 3x square को plus 2 से multiply करेंगे तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6 6x square. अब इसके ऐसे दो factors की plus minus करके root 2 root 6 है तो कैसे करेंगे हमें 2 root 6 लाना है right. अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं root 6 into root 6 right. ऐसा क्यों किया मैंने 3 into 2 में क्यों नहीं स्प्लिट किया क्योंकि मुझे यहां पे बीच की टर्म में root 6 दिख रहा है और यहां 6 आ रहा है तो that means हम अगर 6 को इस 6 को root 6 into root 6 कर लेंगे तो और हम आपस में इसको प्लस करेंगे तो 2 root 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 roots 6 x square आ जाएगा तो इसलिए मैंने root 6 into root 6 तो एक फैक्टर हो गया root 6 x दूसरा फैक्टर भी root 6 x लेकिन अब आंसर आ रहा है हमारा प्लस में ये वाला और बीच में चाहिए हमें माइनस में राइट तो क्या मतलब हुआ अगर हमें दोनों को ऐड करना है तो इसका मतलब दोनों के जो साइन है सेम होने चाहिए और दोनों के साइन कौन से होने चाहिए जो ये मिडिल टर्म के हैं तो मैंने अगर माइनस माइनस के लगाए तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस बन जाएगा और ऐड करूंगी तो माइनस 2 root 6 बन जाएगा राइट प्लीज मेरी सारी वीडियोस देखिए और उसको ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या बताया है तभी आपको सारी चीजें समझ में आ पाएंगी 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 equals to 0 right अब root 6 को हम क्या लिख सकते हैं सबसे पहली बात हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं root 3 into root 3 राइट इसी तरीके से 2 को हम क्या लिख सकते हैं root 2 into root 2 राइट और root 6 को हम क्या लिख सकते हैं root 3 into root 2 एक बार और समझा रही हूँ हम 3 को root 3 into root 3 लिख सकते हैं क्योंकि जब root हटाएंगे और multiply करेंगे तो 3 आ जाएगा root हट जाएगा pairs से इसी तरीके से 2 को हम root 2 into root 2 लिख सकते हैं और root 6 को हमने 6 को elaborate कर दिया मतलब 6 को हमने 3 into 2 कर लिया तो root 3 into root 2 लिख सकते हैं अब देखिए हमने यहाँ देखा 3 है और यहाँ root 6 है तो 3 की line अगर आप देखें ये वाली है और root 6 वाली ये line है तो इसमें से root 3 दोनों में है तो हम क्या common निकाल सकते हैं root 3 x common निकाल सकते हैं तो हमारा आ गया root 3 x common तो क्या बच गया अंदर root 3x minus root 2 बज गया क्यों देखिए यहाँ पे इस 3 में से root 3 common निकल गया तो एक root 3 बज गया तो वही दिखाया है और इसी तरीके से root 6 में अगर root 3 common निकल गया तो क्या बज गया root 2 बज गया तो इसलिए ये दिखाया right अब आगे देखिए minus root 2 common निकलेगा कैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखें तो ये देखिए root 2 common आ रहा है दोनों में ये रहा तो क्या बच जाएगा root 6 की जगह root 3 बच जाएगा और 2 की जगह root 2 बच जाएगा देखिए कैसे लिखेंगे उसको root 3x minus क्योंकि जब minus बाहर common ले लेते हैं तो अंदर के sign change हो जाते हैं right तो root 2 बच गया equals to 0 तो अब देखिए अगर हमने root 3x minus root 2 common लिया तो क्या बच गया root 3x minus root 2 बच गया equals to 0 अब हम दोनों values 0 के equal रखेंगे जिससे कि हम x की value निकाल सकें equals to 0 तो root 3 x कितना आ गया root 2 के equal और x कितना आ गया root 2 upon root 3 इसी तरीके से same ये आई value देखिए minus root 2 equals to 0 root 2 दूसरी side चला गया तो plus का हो गया root 2 और x कितना हो गया root 2 upon root 3
is the answer. Let's do question number 27th. Question number 27th is root 3x square minus 2 root 2x minus 2 root 3 equals to 0. Chaliye, question number 27th karte hain. Question number 27th ki values rikh lete hain. Root 3x square minus 2 root 2x minus 2 root 3 equals to 0. अब सबसे पहला रूल, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, राइट, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 2 इंटू 3, दैट इज माइनस का 6 एक्स स्क्वायर. अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे कि प्लस माइनस करके हमारा 2 रूट 2 आए, राइट, तो कैसे आएगा, देखिए अब हमने 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 root into 3 लिख सकते हैं. अब बीच में देखिए root 2 चाहिए, तो that means हमने 2 को क्या लिख लिया, root 2 into 3, right. अब हमें 2 root 2 चाहिए, तो 1 के साथ 3 ले लिया और 1 के साथ 1 ही रहा, तो अगर मैं 3 root 2 x और root 2 x लेती हूँ, तो देखिए आपस में माइनस करूँगी तो 2 root 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 x square आ रहा है. अब माइनस प्लस देखना है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और हमें माइनस करना है, तो इसका मतलब हमें बड़ा वाला साइन, क्योंकि आंसर हमें माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला साइन हमारा माइनस का होना चाहिए. और माइनस के केस में जब दो चीज़ों को माइनस किया जाता है तो एक ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, तो दूसरा वाला हमने ऑटोमेटिकली प्लस का कर दिया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. अब ये देखिए यहाँ पे हम थ्री रूट टू को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू रूट टू. अब रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं इंटू रूट टू. अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से रूट 3 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि रूट 3 मैंने यहाँ पे भी बताया इसको इलेबोरेट करके, राइट. तो हमने रूट 3 और x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x माइनस, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इसमें से रूट 3 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया, एक रूट 3 और एक रूट 2, तो ये कितना हो गया, रूट का 6, तो मैंने लिख दिया रूट 6, राइट, प्लस इसी तरीके से रूट 2 कॉमन निकला, यहाँ पे देखिए रूट 2 कॉमन निकला, कैसे निकला, 2 रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3, और 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो देखिए रूट 2 यहाँ था, हमने एक रूट 2 इसमें से कॉमन निकाली इसकी वैल्यू में से, तो क्या बच गया, रूट 2 और रूट 2 रूट 3, दैट इज रूट 6, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस रूट 6 इक्वल्स टू 0. अब x माइनस रूट 6 कॉमन हुआ दोनों में से, तो कितना बचा, रूट 3x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, राइट. अब हमने x की वैल्यूज निकाली है, तो x माइनस रूट 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 6. इसी तरीके से रूट 3x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो रूट 3x कितना आ गया, माइनस का रूट 2, और x कितना आ गया, माइनस का रूट 2 अपॉन रूट 3 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू 0. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहला रूल इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, तो ये आया टेन एक्स स्क्वायर प्लस का. इसके दो फैक्टर ऐसे कि प्लस माइनस करके माइनस थ्री रूट फाइव है, तो हमें बीच में दिख रहा है रूट फाइव है, तो इसका मतलब फाइव टू ज़ा टेन, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव टू ज़ा टेन, और अपने फाइव को क्या लिख लिया, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, क्योंकि मिडल टर्म हमारी रूट में दे रखी है, राइट. तो एक टू एक रूट फाइव के साथ हो गया और एक वन ही रह गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू रूट फाइव
और 1 root 5, राइट, एक एक्सिस के साथ एक एक्सिस के साथ. अब मिडिल टर्म ये दोनों प्लस करने हैं हमें, तो दोनों का साइन सेम रहेगा, तो मिडिल टर्म क्या है, माइनस, तो दोनों में माइनस लगा दिया. अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 root 5x माइनस रूट फाइव कहो या 1 root 5 कहो, बात एक ही है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से x कॉमन निकला तो x माइनस 2 root 5 बच गया, राइट. अब इन दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन, देखिए रूट फाइव निकलेगा, क्यों, क्योंकि 10 को मैंने आपको बताया 5 into 2 लिख सकते हैं और 5 को root 5 into root 5 into 2 लिख दिया. अब रूट फाइव कॉमन निकाला तो यहाँ से तो x बच गया, और 10 में से अगर रूट फाइव कॉमन निकालते हैं तो क्या बच गया, 2 root 5, राइट. तो हमने निकाला माइनस का रूट फाइव कॉमन, तो ये बच गया x माइनस 2 root 5 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 2 root 5 कॉमन आया, तो क्या बच गया, x माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू 0. अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x माइनस 2 root 5 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू आ गई 2 root 5, और x माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू आ गई √5 इज द आंसर.